a daughter smile. And every one of us is a huge, huge fan of yours. So what do you have to say? Hello everyone, thank you so much. Thank you. Thank you for having me at this event, and I would like to congratulate all of you who are here today to receive awards for hair and makeup and beauty, glam. So congratulations, best of luck, and let's have a rocking event. Okay everyone. नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद है जनकपुरी की पिकाडी होटल में, और हमारे साथ शालू जी हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मॉडल्स का मेकअप किया है, तो इनसे जानते हैं कि इस शो में उन्हें कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा शो है। काफ़ी मैंने शो किए हैं मैम के, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। ये शो और शो से कैसे लगा? बेस्ट एकदम। जो दिल्ली में शो होते हैं जी, उन शो में और इन शो में क्या आता है? इन मैम का इनका शो जो है बहुत बेस्ट है, वो हम लोगों को ही आगे करते हैं, तो इसलिए इनका ही बेस्ट शो लगता है मुझे। हाँ जी, हाँ जी,
ये बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। इन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिंग किया है, देखिए आप, एंड बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिंग भी करती है, एंड इनका एक अपना बुटीक भी है ड्रेस डिजाइनिंग का, एंड शी इज़ अ फैबुलस मेकअप आर्टिस्ट। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया न्यूज का स्वागत है। इससे मौजूद है पिकाडी होटल जनकपुरी में और हमारे साथ राज अरोड़ा जी मौजूद हैं। आपको बता दें जो गोल्डन रिमी सीज़न 3 जो शो हो रहा है उसमें आप मेरे साथ देख सकते हैं कुछ मॉडल्स खड़े हैं। जो राज अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ड्रेसिस ही है वो आउटफिट जो पहन रखे हैं, तो सर से जानते हैं कि कितने सालों से इनका जो है ये कंसेप्ट चल रहा है। जी सर। हाय, मायसेल्फ राज अरोड़ा एंड आवर ब्रांड इज रूप वाटिका और वी आर लाइक 1993 से हमारा ब्रांड हम रन कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस रहता है ब्राइडल वेयर के ऊपर, डिज़ाइनर वेयर के ऊपर। जो मेन फंक्शंस होते हैं ब्राइड्स के, वही हमारी मेन आइडेंटिटी है कि फॉर वेडिंग रिसेप्शन एंड मेहंदी संगीत वी आर स्पेशलाइज इन बेस्पोक डिज़ाइंस। वी डू कस्टमाइज कि जो कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली, हम ब्राइड के अकॉर्डिंगली हम ड्रेसेस उनके डिज़ाइंस करते हैं और जो कि यूनिक होती हैं, दे आर नॉट कॉमन कि आपको हर जगह पर अवेलेबिलिटी उनकी होती है। सो वी आर फेमस लाइक कि इसके लिए हमारा ज़्यादा जो मेन रहता है कट्स और स्टाइलिंग के ऊपर। सर, जो हमने मॉडल्स वाला आउटफिट्स बनाए हैं, उस आउटफिट्स को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। आउटफिट्स को ब्रीफ करने के लिए, अब जैसे इनके ऊपर आप ये देख रहे हैं आउटफिट के अंदर, इसमें जो मेन है कट्स एंड स्टाइलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बहुत एम्ब्रॉयडरी बेस्ड नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कि एक तो आउटफिट जो भी पहने उसको वेयरेबल भी हो, कंफर्टेबल भी हो और डिज़ाइनिंग पार्ट उसमें नज़र आए, ना कि सिर्फ उसको एक एम्ब्रॉयडरीज पर मेन फोकस नहीं होता है हमारा। सर, जो इस शो के ऑर्गेनाइजर हैं पूनम चुगो, दिव्यांग चुग जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दिल्ली में बहुत सारे शो करते हैं तो ये शो और शो से हम लोग उनके साथ पहली बार एसोसिएट हुए हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट शो विद देम, सो आई डोंट नो जो एक्सपीरियंस हमारा होगा तो। थैंक यू सर। नमस्कार, जूम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इससे मौजूद है जनकपुरी की पिकाडी होटल में और आपको बता दें ग्लैमर गोल्डन विंग सीजन 3 अवार्ड शो यहाँ होने जा रहा है और आपको बता दें पूजा शर्मा सोनी जी जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी डिज़ाइनर है तो मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस शो में उन्हें कैसा लगा। जी मैम, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सब क्रू बहुत अच्छा है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड सारी गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। अभी फ़ोटोज़ के लिए मास्क नहीं है, हाँ बस फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत बहुत वंडरफुल है, लव्ड इट। हाँ, मेरे जो डिज़ाइंस में है मोस्टली ड्रेप्स हैं तो आई फील कि जब भी हम कुछ हैवी आउटफिट्स पहने तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत ना पड़े, ड्रेप्स हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो मेरा ये स्पेशलिटी है मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स हैविंग ड्रेप्स। बहुत बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं बनी, ही इज़ दिव्यांश चुग, तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, हर एक चीज़ को मतलब समझते हैं, आप कुछ भी मतलब एवरी वे में वो कोऑर्डिनेट करते हैं, एवरी वे में वो हमें हेल्प करते हैं, सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। सो या, जूम इंडिया न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।